बाबा साहब के पूरे जीवन संघर्ष को एक अकेले ही सेंटेंस पूरा किया जा सकता है जो मैं आपके सामने रखूं। लेकिन सबसे पहले आइडियल्स, हमारे प्रियंबल के आइडियल्स वो चीज हैं जो हमने अचीव कर ली। द ऑब्जेक्टिव वी हैव अचीव्ड आर आइडियल्स। कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हमने अचीव किए इस संविधान के लागू होने के बाद में, और मैं कहूँगा जैसे ही संविधान लागू हुआ उसके पहले चुनाव के दौरान ही उन ऑब्जेक्टिव को हमने मतलब प्राप्त कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया या उनको यहाँ पे सम्मान मिलेगा। कौन कौन से, हमारे प्रियंबल का जो पहला शब्द है उसमें कहते हैं कि हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इस शब्द को, संविधान के इस पहले भाग को हमने जैसे ही पहला चुनाव हुआ प्राप्त कर लिया, ये पूरा हो गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हम बन गए। लेकिन जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने 1976 में 42वें संशोधन के दौरान इंदिरा गांधी ने इसमें सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म शब्द 42nd अमेंडमेंट के दौरान इसमें जोड़े, और इसके बाद में एक और शब्द आया जिसमें इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन, वो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं है, वो भी तभी जोड़ा गया। ये तीन परिवर्तन इसमें हुए। लेकिन मैं मूल पर रहना चाहूंगा कि हमने जो हमारे आइडियल्स थे वो तो प्राप्त किए, लेकिन जो इसके एस्पिरेशंस हैं, एस्पिरेशंस आर द ऑब्जेक्टिव वी हैवंट अचीव्ड। वे सारी की सारी चीजें जो भी हम अचीव नहीं कर पाए उनको हम एस्पिरेशंस कहते हैं। अब एस्पिरेशंस क्या है, एस्पिरेशंस को समझने से पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि बाबा साहब इस पॉलिटिकल, जो हमारी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है इसके बारे में क्या कहते गए हैं, और कार्ल मार्क्स क्यों कहता है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। जब तक इन दोनों बातों को स्पष्ट नहीं कर लिया जाएगा तब तक संविधान के बारे में हम अपने एस्पिरेशंस क्यों पूरे नहीं हुए इस बारे में शायद चिंतन अधूरा रहे। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है अपनी पूरा जीवन संघर्ष केवल यही लाइन है उनकी कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट बी सर्वाइव लॉन्ग, कैन नॉट लास्ट लॉन्ग अनलेस देयर इज एट द बेस ऑफ इट द सोशल डेमोक्रेसी। यानी कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है वो लंबा नहीं चलेगा तब तक जब तक इसके आधार सामाजिक लोकतंत्र ना हो। आगे डॉक्टर अम्बेडकर इस सामाजिक लोकतंत्र को डिफाइन करते हैं, वो कहते हैं व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन, तो ही से उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा सोचा छोड़ा, बस हमें इतना भर करना है कि हम उनके जो चीजें हैं, जो उनके बातें हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं उनको पूजा, जब कहते हैं ना भी पूजा का मतलब होता है जो जिस चीज को हम पूज रहे हैं, जिस व्यक्ति को पूज रहे हैं उसके सामने धूपबत्ती अगरबत्ती करने की जरूरत नहीं है, उनकी शिक्षाओं को अमल में लाए, ये पूजा। अगर हम उनकी शिक्षाओं को अमल में ला रहे हैं तो हम उस व्यक्ति की पूजा कर रहे हैं, और अगर केवल धूपबत्ती अगर करके उनकी शिक्षाओं को अलग कर रहे हैं तो हम उस व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे। पहली बात। दूसरे वो सोशल डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और वो कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर सोशल डेमोक्रेसी को डिफाइन करते हुए कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी इज द वे ऑफ लाइफ विच एक्सेप्ट और रिकॉग्नाइज द लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी एज द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ। यानी कि इस सामाजिक लोकतंत्र के लिए ही इस दुनिया के सभी महापुरुषों ने लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कोई रहे, और पूरा का पूरा इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए बाबा साहब इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारी की सारी चीजें प्रियंबल में आई हैं उनका किया, और हमारा संविधान इसी यही चीज ये कहीं रह गई है संविधान में जो लागू नहीं है, जिसे मैंने कहा एस्पिरेशन। अब ये क्यों पूरे नहीं हुए हैं, कार्ल मार्क्स क्यों कहते हैं कि जो लोकतंत्र है वो मूर्खों का शासन है, वो इसलिए कहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर भी कह के गए, उन्होंने भी ये कहा है कि लोग जो राजनीतिक लोकतंत्र है उसको कुछ बुद्धिजीवी कुछ विचार बड़े खोजबीन के बाद में बड़े अथक प्रयास के साथ में खड़ा करते हैं, लेकिन जब ये सामाजिक लोकतंत्र का उद्देश्य पूरा नहीं होता है तो ये गुंडे मवाली आकर के उसको तहस नहस कर देते हैं। वही हो रहा है। तो ये सोशल डेमोक्रेसी को अचीव करना जो हमारे एस्पिरेशंस हैं उनको अचीव करना हमारे संविधान का और इस देश की राजनीतिक लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है, और उसी पे काम नहीं हुआ। कैसे, क्या कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी के अंदर, सबसे पहले वो बात करते हैं बाबा साहब के जस्टिस, सबको जस्टिस होना चाहिए। अब जस्टिस में भी तीन तरीके की बात करते हैं, कहते हैं इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। अब ये इकोनॉमिक जस्टिस क्या होता है, मैं दिनेश हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ,
नरेंद्र मोदी इस देश का पीएम है और अंबानी इस देश का बहुत बड़ा उद्योगपति है, अगर ये तीनों मर्डर करते हैं तो तीनों को एक ही सजा होनी चाहिए। ये सोशल, ये इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि किसी आदमी की धन पद और पैसे के ध्यान नहीं दिया जाएगा जब न्याय की बात होगी। उसके बाद में सोशल जस्टिस की बात करते हैं। सोशल जस्टिस में बाब साहब कहते हैं कि पहले क्या था यहां पर, आदमी की रेश के आधार पर, यानी कि रंग भेद की नीति के आधार, आदमी के जन्म के आधार पर, किस क्षेत्र में उसका जन्म हुआ उसके आधार पे, या वो किस कल उसकी कल काटी अच्छी है काला गोरा, इस आधार पे कोई भी भेदभाव संविधान नहीं करेगा, न्याय नहीं करेगा। जब वो न्यायपालिका के अंदर जाएगा तो न्यायपालिका उनके सामने ये सारी चीज गौण होगी, वो केवल एक चीज देखेंगी कि उसका क्राइम किस स्तर का, उसी हिसाब से निर्णय सुनाया जाएगा। ये सोशल जस्टिस है साथी। इसके बाद में पॉलिटिकल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस की बात बाब साहब करते हैं। पॉलिटिकल जस्टिस में क्या कहते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस में कहते हैं कि इस देश का हर एक नागरिक, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, भिखारी हो, राजा हो, सबको वोट का अधिकार है। और दूसरे, इस देश का कोई भी नागरिक इस देश के किसी भी सरकारी ऑफिस के अंदर अधिकारी बन सकता है, कोई चुनाव लड़ सकता है और किसी भी ऑफिस के अंदर जाकर के अपनी बात को रिप्रेजेंट कर सकता, कह सकता है। ये पॉलिटिकल जस्टिस हो गया सर। इसके बाद में बाबू साहब कहते हैं कि आगे चल के लिबर्टी की बात आती है। लिबर्टी किस चीज की, ये जो हमारे आर्टिकल 14 से 18 तक हैं, ये सारे के सारे बड़े महत्वपूर्ण हैं इस सामाजिक लोकतंत्र के ढांचे के लिए। और इस सामाजिक लोकतंत्र के ढांचे को कमजोर करने के लिए जो व्यवस्था पूरी तरीके से काम करती रही है, वो केवल एक ही, जो हमारा आइडियल्स है उनको उपयोग करती रही सत्ता में आने के लिए, लेकिन इस सोशल डेमोक्रेसी को उसने सुधार की बात नहीं सोची। और यही कारण रहा कि इस देश के अंदर जो राजनीतिक ढांचा है वो लगभग चरमरा गया, और बाद में आकर के कुछ लालची, शरारती और जो मिस्चीवियस तत्व हैं उनके हाथ में पहुंच गया। इसलिए कार्ल मार्क्स ने कहा था डेमोक्रेसी इज द रूलिंग ऑफ फूल्स। बाद में वो लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी में क्या कहते हैं, थॉट्स, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप। कोई भी आदमी कहीं पर पैदा हो जाए, कहीं पर रहे, जो उसके विचार है वो उसको रख सकता है, जो उसका फेथ है उसको मान सकता है, जिस तरीके की पूजा पद्धति में वो रहना चाहे रह सकता है। ये लिबर्टी की बात कही। आगे चलते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी के अंदर डॉक्टर अम्बेडकर ये कहते हैं कि स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। के स्टेटस का मतलब क्या हुआ कि लॉ के सामने सब समान। उसके बाद में अपॉर्चुनिटी के सरकारी तंत्र की किसी भी प्रकार की गतिविधि, चाहे वो नौकरी हो, चाहे वो निर्वाचन की हो, चाहे वो दूसरी हो, उन सब में सबके सब समान है। बाद में बात करते हैं फ्रेटर्निटी की कि फ्रेटर्निटी आखिर क्यों, और ये एक साजिश के तहत इन चीजों को पूरा नहीं होने दिया गया, या इन चीजों के उद्देश्य की प्राप्ति में बाधाएं डाली गई, या यूं कहें कि उसको छेड़ा नहीं गया। बहुत से लोग कहते हैं कि संविधान को खतरा, संविधान को कभी खतरा नहीं हो सकता है। भारत के इतिहास में सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी बेंच जिसमें 13 जजिस थे, केशवानंद भारती के केस में उससे बड़ी जज, 13 जजों की बेंच बनी थी, उससे बड़ी कोई बेंच अभी तक सुप्रीम कोर्ट की भारत के इतिहास में नहीं बनी है। उसने साफ कहा है कि कोई व्यक्ति 50 में से 26 वोट पाकर के आए और वो कहे कि संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन कर देंगे, ये हो नहीं सकता। तो जब फंडामेंटल राइट्स हैं, हक नहीं हो सकते, लेकिन क्या हो सकता है, वही हो सकता है जो हो रहा है कि हम उनको इग्नोर करेंगे, जो उनके पात्र हैं उनको उन्हें उपलब्ध नहीं कराएंगे। और एक और बड़ी बात बता दूं, जब ये देश आजाद हुआ इसमें 7200 वकील थे, 7200 लायक, और जब आजाद हुआ तो पंडित नेहरू और आपके हमारे जो गृह मंत्री थे पटेल, वो परेशान हो गए क्योंकि केस सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स वाले वहां पे आए। जब तक इंग्लिश रूल था वहां पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जो यहां पे हमारा चलता था रूटीन जोन से पहले, यहां पे बिल्डिंग इसकी बाद में बनी है, तो वहां पे केवल 160 केस थे, और जैसे ही देश आजाद हुआ 570 एक साल में हो गए। तो बाद में नेहरू और पटेल ने कहा, उनकी एक ओन रिकॉर्ड कोर्ट है, वो कहते हैं द यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन कैप्चर्ड बाय लायर्स या किडनैप बाय लायर्स। वो कहते हैं कि जो भारत का संविधान है यूनिक, अतुलनीय, इसे देश के वकीलों ने किडनैप कर लिया। वो क्यों कहते हैं, क्योंकि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारी गवर्नमेंट के गले में कंधा, वो है फंदा। जब जब गवर्नमेंट इस देश के नागरिक के मूलभूत अधिकारों का हनन करेगी,
तो वो सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपनी रक्षा के लिए खड़ा हो सकता है। इसलिए ये जो सेल्फ गार्ड ऑफ फंडामेंटल राइट्स का डॉक्टर अम्बेडकर ने उपलब्ध कराया, इससे परेशान होकर के नेहरू और पटेल ने ये बात कही। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है भाई 7200 में, जब चीन आजाद हुआ तो केवल 3000 थे और भारत से ज्यादा केवल अमेरिका में ही थे। अब बात करते हैं फ्रेटर्निटी में, फ्रेटर्निटी में आगे आ रहा था उसमें भाव साहब कहते हैं कि ये फ्रेटर्निटी आखिर आएगी कैसे, बंधुत्व की आधारशिला कैसे रखी जाएगी। तो बंधुत्व की आधारशिला रखने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर साहब और स्पेसिफिक इक्वालिटी वाले में कहते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स, एवोल्यूशन ऑफ कास्ट, ये दो बड़ी चीज है, एवोल्यूशन ऑफ रेस। जब तक ये तीन चीज हमारी प्रैक्टिस में रहेंगी तब तक हम इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते हैं, और जब तक इक्वालिटी की बात नहीं करेंगे फ्रेटर्निटी की बात धरातल पे उतर नहीं सकती है। हमें इन चीजों का ध्यान रखना है कि कोई भी सरकार इन मूलभूत चीजों को न बदल सकी है, न बदलेगी, न बदली जा सकती है, लेकिन वो एक ही काम कर सकते हैं कि हमें हमारे अधिकारों से वंचित रखें। और इस वंचना से बचने के लिए ये केवल और केवल हमारा ही उद्देश्य नहीं है, जो हमारे राजनीतिक नुमाइंदे जिनको 100% रिजर्वेशन उस वक्त मिल गया जब पहला चुनाव हुआ वो वहां पे जीत के जाते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है। तो हम आज इस संविधान दिवस के मौके पे ये प्रण करें कि न केवल हम व्यक्तिगत स्तर पे जो हमारे वोट से स्पेशली जो रिजर्व सीट से जाते हैं उनके कंधों को तो जरूर पकड़े कि भाई तुम यहाँ पे कैसे हमारा साथ नहीं दे रहे हो। और उसके बाद में साथियों तीन लाइनों के साथ में अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ, बस तीन लाइन। राम वालों को खुदा से बुआती है, राम वालों को खुदा से बुआती है, मुसलमानों को भगवान से बुआती है। फुर्सत किसे है कि खिदमत करे इंसान की, फुर्सत किसे है कि खिदमत करे इंसान की, यहाँ तो इंसान को इंसान से बुआती है। इस देश के अंदर इंसान की खिदमत करने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो दस्तावेज तैयार किया है उसे भारत का संविधान कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद।